नवी मुंबई नेटवर्क। दसवीं कक्षा के छात्रों में बोर्ड परीक्षा का भय ना हो, एग्जाम आसान हो, दसवीं कक्षा के सभी विषयों का रिवीजन हो सके और छात्र में आत्मविश्वास का संचार हो, इसी मकसद के साथ ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक के कुशल मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए दसवीं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर गणेश नायक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लोक नेते गणेश नायक एसएससी सराह परीक्षा 2022-2023 का आयोजन किया गया है। 24वें वर्ष में पदार्पण के साथ आयोजित यह एसएससी सराव परीक्षा उपक्रम नवी मुंबई ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनकर साबित हो रहा है। कोरोना के ब्रेक के बाद एक बार फिर विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के ध्येय के साथ संदीप नायक के नेतृत्व में इस एसएससी सराव परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसी की जानकारी सराव परीक्षा के आयोजक और ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक ने एक पत्रकार परिषद में दी, जहां उनके साथ मुख्य समन्वयक और पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक अनंत सुतार मौजूद रहे। बता दें कि 3 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मराठी, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों ही भाषाओं में इस एसएससी सराव परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए नवी मुंबई के 70 स्कूलों के तकरीबन 9,700 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बोर्ड के पैटर्न के तहत एसएससी सराव परीक्षा नवी मुंबई के 27 केंद्रों में संपन्न होंगी। इस एसएससी सराव परीक्षा की खासियत ये है कि इस परीक्षा में छात्रों को बोर्ड परीक्षा के तहत हॉल टिकट, एग्जाम सेंटर, क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन और पेपर चेक जैसी सारी प्रक्रिया तज्ञ शिक्षकों की टीम के माध्यम से पूरी की जाएंगी। तो वहीं इस सराव परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले 3 क्रमांक के छात्रों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 24 साल से सफलतापूर्वक आयोजन के साथ अब संदीप नायक और उनकी एक्सपर्ट टीम का अगला लक्ष्य है 12वीं कक्षा की सराव परीक्षा का आयोजन कर एक पायलट उपक्रम प्रस्थापित करना। इस साल आयोजित होने वाली एसएससी सराव परीक्षा के आयोजन और उसकी विशेषताओं की अधिक जानकारी आयोजक संदीप नायक ने नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में दी। सराव परीक्षा की क्या खासियत होगी, कितने स्कूल पार्टिसिपेट हुए हैं और कितने केंद्रों पर यह सराव परीक्षा संपन्न होने वाली है? कोरोना के समय में सब एग्जाम्स ऑनलाइन हुए और ये पहला साल है कि फुल फ्लेज ऑफलाइन बोर्ड की एग्जाम्स होने वाली है और उस समय स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो अलग से जो बोर्ड का वातावरण है उसमें स्टूडेंट भयभीत न हो, कॉन्फिडेंट के साथ वो अपना पेपर लिखे, अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसलिए गए 24 साल से इस सराव परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहकारी अनंत जी सुतार, उनके साथ आदरणीय संजीव जी नाइक साहब, आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के प्रेरणा में इस सराव परीक्षा का आयोजन उनके माध्यम से प्रथम किया गया। 2007 से मैं इस परीक्षा का प्रमुख हूँ और इस समय लास्ट ईयर से भी केंद्रों की संख्या बढ़ी है। 27 केंद्र हैं, 70 स्कूल हैं और 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में पार्टिसिपेट होने वाले हैं। मराठी, हिंदी और इंग्लिश, इस 3 भाषा में ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। 3 दिसंबर को उसकी शुरुआत होगी, 18 दिसंबर को लास्ट पेपर होगा और जल्द से जल्द 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स के हाथ में देने का प्रयास हमारा रहेगा। उनका रिजल्ट्स उनके हाथ में आने के बाद और जो मूल बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें उनकी जो खामियां है, जहां पे वो कम पड़े, उसमें तैयारी करके और कॉन्फिडेंट के साथ वो उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उनके आने वाले करियर, जहां पे उनको एडमिशन लेना है, जिस क्षेत्र में उनको करियर करना है, उनके जीवन में उनको यशस्वी होना है,
उसमें निश्चित रूप से होगा। इस स्पर्धा का आयोजन का सिर्फ यही उद्देश्य है कि नवी मुंबई की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़े। सर, 24 साल से आप आयोजित करते आ रहे हो, क्या एक्सपीरियंस बताएंगे और किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों के सामने थे? हर साल अनुभव बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और जो नए नए बदलाव है, पहले मराठी विषय था, उसके बाद में इंग्लिश आया, हिंदी आया, स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, स्कूल की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या बढ़ी और अभी हमारा जो पूरा यूनिट है वो अभी एक्सपर्ट यूनिट है। इतने साल का उनका अनुभव है और इस एग्ज़ाम को हर साल अच्छा करने का प्रयास ये सभी लोग करते हैं और ये इतने सब लोग जुड़े हैं, इसके वजह से ही ये स्पर्धा हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। और इस सभी चीज़ों के पीछे हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय गणेश जी नाइक साहब हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये स्पर्धा, ये परीक्षा हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। एक रोल मॉडल के तौर पर इस परीक्षा को देखा जाता है, एक आयोजक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कि इस अनुभव और अच्छे लोग हमें जुड़े हैं और हम हर साल एग्ज़ाम के पहले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हैं। जो एग्ज़ाम के पेपर, एग्ज़ाम कंडक्ट करना, समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना, पेपर चेक करना और बाद में वो रिज़ल्ट उसी तरीके से एक्यूरेटली वो स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये काफ़ी जिम्मेदारी की बात है और ये सभी क्षेत्र के जो तज्ञ लोग हैं उनके सहकार्य से ही ये बात शक्य है, ऐसे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं आप लोग, 12th एग्ज़ाम का भी एक रोल मॉडल सेट करने की आपकी कोशिश है, तो किस तरह का प्रयास होगा? काफ़ी मांग है लोगों की कि 12th की भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाए, हमारा प्रयास रहेगा। ये चैलेंज है, पहले हमको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, प्रोफेसर लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेजेस से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट हम निश्चित रूप से आने वाले जो समय है उसमें करेंगे। बख्शिश का स्वरूप किस तरह का होगा और जो ऐप आप लोग लॉन्च करने वाले हो वो किस तरह का स्वरूप? हर साल जो एग्ज़ाम्स पेपर है वो ऐप के माध्यम से आपके फ़ोन के ऊपर वो क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर पेपर स्टूडेंट को देखने को मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन 3 तारीख को आप सभी मीडिया को दी जाएगी। ये इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुल करने के लिए जो भी सब घटक है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्वरूप क्या होगा पुरस्कार? पहले जो प्रथम जो 3 अलग अलग विषयों में और अलग अलग भाषाओं में प्रथम आएंगे उनके लिए टैब दिए जाएंगे, द्वितीय और तृतीय पारितोषिक भी स्टूडेंट्स के लिए रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।